गाइस, वेलकम बैक टू होम गार्डनिंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लॉन्ग बीन्स, और हम लोग बरबट्टी भी उसे कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह है बरबट्टी का बीज और हम लोग ले चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो बीज लगाने से पहले आप मिट्टी को अच्छे से खोद के हल्का कर ले, ताकि आप जब बीज लगाएं तो अच्छा से लग जाए और जो रूट होते हैं उसके अच्छे से फैले। इसलिए हम लोग मिट्टी को हल्का कर लेते हैं पहले। और चलिए अब हम लोग गड्ढा कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग बीज डालेंगे। और आप कोई चीज़ से गड्ढा कर सकते हैं, 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए गड्ढा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एक गड्ढा जो आप देख सकते हैं, हम लोग एक एक हाथ का दूरी पर कर रहे हैं। आप भी इसी तरह करें। आप देख सकते हैं 1 इंच का गड्ढा हम लोग किए हैं। ये देखिए, इस तरह से आप भी कर ले अच्छा से। तो चलिए अब हम लोग बीज को डाल लेते हैं जहाँ पर हम लोग गड्ढा किए, और एक एक करके हर एक गड्ढा में बीज हम लोग डालेंगे। और बीज लगाने का सही समय होता है फरवरी से अप्रैल तक का। आप उसका बीज में कभी भी लगा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग बीज को डाल लिए। तो चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी बीज डाल लेते हैं। बीज डालने के बाद आप अच्छे से पानी डाल लें जहाँ पे आप बीज डाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लत आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग किसी चीज़ से सपोर्ट कर देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग धागा बांध दिए है सपोर्ट करने के लिए। आप चाहे तो कोई डंडा की मदद से भी कर सकते हैं सपोर्ट इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, बरबट्टी हुए हुए कहीं कहीं और फूल्स भी हुए हैं। और अभी बरबट्टी का पूरे अच्छा तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी कुछ और दिन लगेंगे पूरे अच्छे से ग्रोथ होने में। लेकिन फूल हर जगह हो चुके हैं, अभी देख सकते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ही बरबट्टी अभी पूरे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं, और ज़्यादातर बरबट्टी अभी भी छोटे ही है। अभी भी कुछ और दिन लगेंगे पूरे अच्छे से बरबट्टी को होने में। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे अभी भी बरबट्टी लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग बरबट्टी तोड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका ग्रोथ अच्छा से हो चुका है। अभी भी कुछ कुछ बरबट्टी पूरे तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ, तो ये 1-2 दिन बाद हम तोड़ेंगे। और लगभग बहुत सारे बरबट्टी का ग्रोथ अच्छा से हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग पूरा अच्छा से तोड़ लेते हैं बरबट्टी को। जैसा कि आप देख सकते हैं, बरबट्टी कितने अच्छे से हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से भी ग्रोथ हुआ इनका। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सीज़न में ही लगाए थे बरबट्टी का,
इसके वजह से भी काफ़ी तेज़ी से बरबट्टी का ग्रोथ हुआ प्लांट का।